नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, ठंड के मौसम में आसानी से मिलने वाला स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद भी कहते हैं, सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं आपकी सेहत के लिए और साथ ही इसके नुकसान भी है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किन किन लोगों को शकरकंद का सेवन यानी कि स्वीट पोटैटो को नहीं खाना चाहिए और इनके फायदे के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसके फायदों के बारे में। तो नंबर वन कि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और साथ में इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे स्किन के ग्लो के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। नंबर टू, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जो कि हमारी हाई बीपी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हमारे जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, जॉइंट पेन में रिलीफ दिलाता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्कुल नहीं होता, जीरो कोलेस्ट्रॉल फूड है ये, इसलिए आप इसको वेट लॉस के लिए भी आप इसको खा सकते हैं। दोस्तों, स्वीट पोटैटो हमारी आई साइट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, फायदेमंद है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि अल्टीमेटली विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही एजिंग की वजह से अगर आपकी आई साइट वीक हो रही है या फिर आई में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा कैंसर सेल से भी बचाव करने में ये शकरकंद बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि कैंसर सेल के ग्रोथ को कम करता है। इसको प्रेगनेंसी में भी खाने के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें ठंड के मौसम में। इसको खाने का बहुत तरीका है, जैसे कि आप इसको बॉईल करके खा सकते हैं, इसका हलवा या खीर बना के खा सकते हैं, या फिर इसकी पकौड़ी भी बनती है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है, बहुत तरीके की रेसिपी बनती है, आप इसका सेवन उस तरीके से कर सकते हैं। अब जानेंगे किन लोगों को शकरकंद यानी कि इस सुपर फूड को खाने से बचना चाहिए। नंबर वन, अगर आपको लो शुगर की प्रॉब्लम है तो शकरकंद का सेवन ना करें, क्योंकि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर टू, अगर आपको पेट में दर्द है या किडनी संबंधी कोई समस्या है तो भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें हाई लेवल में पोटेशियम होता है, जो कि आपके किडनी संबंधी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। नंबर थ्री, अगर आपका हार्ट रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है हार्ट के लिए, या फिर बीटा ब्लॉकर नाम की मेडिसिन चल रही है, तो भी आपको शकरकंद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।